लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। और अपना आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र देने वाले कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। ठीक है, इनका जो सूत्रपात हो गया था 1924 में और प्रतिपादन हो गया था 1928 में, प्रकाशन हो गया था 1931 में। ठीक है, देने वाले रंगनाथन, सूत्रपात 24, प्रतिपादन 28 और प्रकाशन 31। प्रतिपादन हुआ है मीनाक्षी कॉलेज में। कहाँ पर हुआ है? मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज कहाँ पड़ती? अन्नामलाई नगर। और 31 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, यानी माला, शॉर्टकट में क्या बोल दो, माला। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इन पांच रंगनाथन द्वारा कितने सूत्र है? 5 सूत्र है। इनकी जो आलोचना कर दी थी अर्थटन ने, क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, पहले जानकारी दे दो अर्थटन ने। इसके अलावा जे आर रेटिंग ने यह 6ठा सूत्र दिया था। ठीक है, पुस्तकालय का स्तर बढ़ सके, है ना, पुस्तकालय में ज्यादा से ज्यादा पाठक आए, पाठकों की रुचि बढ़े, इसलिए 5 सूत्रों को जन्म दिया था अपने डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने। अगली बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, पुस्तकालय विस्तार सेवा के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? पुस्तकालय विस्तार के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र है। तृतीय सूत्र क्या है? सबको पता है तृतीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को, सॉरी, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक जो पुस्तक है उसको क्या मिले? पाठक मिले। ये क्या है? तीसरा सूत्र है। अब पुस्तक तो नहीं जाएगी पाठक के पास, पाठक को आना पड़ेगा पुस्तक के पास। तो इसका क्या करेंगे? प्रचार प्रसार विस्तार करेंगे, अपने पुस्तकालय के बारे में जानकारियां देंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा सूत्र पालन कर रहा है? तृतीय सूत्र। विस्तार सेवा का आ जाए तो तृतीय सूत्र लगाना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, पाठ के शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया है। पाठ के शिक्षण कार्यक्रम पर कौन सा सूत्र बल देता है? तो द्वितीय सूत्र बल देता है। कौन सा सूत्र देता है? द्वितीय सूत्र बल देता है। अगला सूत्र आता है कि अगला क्वेश्चन आता है, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो विस्तार सेवा तो बताया था मैंने आपके लिए, तो पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। भाई पुस्तकालय की सेवा अच्छी से अच्छी करो, पुस्तकालय का विस्तार करो, प्रचार करो, जितना हो सके उतना करो ताकि पाठक पुस्तक के पास पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 5 सूत्र का प्रतिपादन 1928 में बताया था। 1928 में कौन सी कॉलेज थी? मीनाक्षी कॉलेज। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में क्या किया? प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो प्रस्तावना लिखने वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई? तो पी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पी शिव स्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई, याद रह जाएगा सबको। अगला क्वेश्चन आता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रथम संस्करण की जो भूमिका, प्रथम संस्करण की भूमिका पूछ रहा है यहां पर। प्रस्तावना तो पी शिव स्वामी अय्यर, और भूमिका की बात करें, भूमिका यानी अपन इसको परिचय भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, डब्ल्यू सी बी सेयर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु थे, कहां पर थे? लंदन में। लंदन में गुरु थे, इन्होंने क्या लिखी थी? भूमिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन, आलोचना की बात करते हैं, दो आलोचना पी के करेगा, तो पी ए अर्थटन, पी ए अर्थटन द्वारा क्या कर दी? आलोचना कर दी 5 सूत्रों की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है कौन सा सूत्र? अब विकलांगों के लिए तो आपको पता है द्वितीय सूत्र आएगा, द्वितीय सूत्र।
और जो विकलांग हैंडीकेप का जो पुस्तकालय है वो कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून में 1979 में क्या किया गया, स्थापित किया गया था? अपूपा। अपूपा किस नियम को फॉलो करेगी? तो अपूपा द्वितीय नियम। किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है। अपूपा किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है। पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन के लिए तो बता दिया था आपके लिए, तीसरा सूत्र है। अगला आता है पाठ के शिक्षण कार्यक्रम पर दिया, तो रिपीट हो गए, सॉरी दोस्तों रिपीट हो गए आपके क्वेश्चन, ये रिपीट हो गए। हाँ अब आता है क्वेश्चन, पुस्तकालय में मुक्ति द्वार प्रणाली, मुक्ति द्वार प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम कौन लाया? जेडी ब्राउन। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन से सूत्र का पालन करती है? तो ओपन एक्सेस सिस्टम, तर्क सूत्र। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब होता है पुस्तकालय में बिना कोई रोक टोक, बिना कोई भेदभाव के अपन किताबें पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये क्या है? ओपन एक्सेस सिस्टम। तृतीय सूत्र क्या कर रहा है? पालन कर रहा है पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र। अगला क्वेश्चन आता है, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसूत्र क्या है? तो इसका उपसूत्र, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ग्रंथ सबके लिए। क्या आएगा? ग्रंथ सबके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, पुस्तकालय नेटवर्किंग पर कौन सा जोर देगा? तो नेटवर्किंग पर कौन सा सूत्र जोर दे रहा है? पांचवा, याद रख लेना इंपोर्टेंट। नेटवर्किंग पर कौन सा दे रहा है? पांचवा सूत्र जोर दे रहा है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय नियोजन प्रबंधन संगठन को निरंतर प्रभावित और नियंत्रित करता है? तो आंसर आएगा पांचवा सूत्र, पुस्तकालय नियोजन। ये आ जाए तो आपको पांचवे सूत्र पे ले जाना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने पर ग्रंथों का चयन नहीं करे? तो कौन सा सूत्र देता है? तो ये देगा तृतीय सूत्र। कौन सा सूत्र? तृतीय सूत्र। इसका क्या होगा आंसर होगा? अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है, तो कौन सा है? द्वितीय नियम। बता दिया था द्वितीय नियम। तो दोस्तों ये पांच सूत्रों के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए कंप्लीट कराए, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे बीच में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना।